कानपुर के साठ थाना क्षेत्र के भीतर गांव चौराहे पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब बीते रविवार से लापता पूर्व प्रधान का शव घर से महज 300 मीटर की दूरी पर झाड़ियों में पड़ा हुआ देखा गया, जिसकी खबर फैलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ लगना शुरू हो गई और साठ थाने की पुलिस भी मौके पर आ पहुंची। साठ पे 6/12/2020 को रात 10:30 बजे एक गुमशुदगी लिखी गई थी, जिसमें ग्राम भीतर गांव के रहने वाले राम आश्रय के पुत्र विकास ने ये तहरीर दी थी कि उनके पिता रोज सुबह 5 बजे घूमने जाते थे, 6 तारीख को भी गए थे लेकिन वापस नहीं आए, तो उनके रिश्तेदारियों में और अन्य जगहों पे जानकारी की गई थी, ना मिलने पर उन्होंने गुमशुदगी की तहरीर दी थी। इसके बाद उनके परिजन पुलिस के साथ मिलकर के ढूंढ रहे थे। आज सुबह उनकी डेड बॉडी गांव के बाहर सड़क किनारे खंती में मिली हुई है। इसमें पंचायतनामा भरने की कार्रवाई की जा रही है, जो विधिक कार्रवाई है वो हम अमल में लाएंगे और घटना के समस्त बिंदुओं पर जांच करके जो भी आवश्यक विधिक कार्रवाई। पूर्व प्रधान राम आश्रय लालपुर पतारा गाँव के मूल निवासी है। वह पिछले 20 वर्षों से भीतर गांव में मकान बनाकर रह रहे थे। बीते रविवार राम आश्रय रोज की तरह सुबह टहलने के लिए निकले हुए थे, लेकिन उसके बाद उनका कुछ भी पता नहीं चला। परिजनों के काफी ढूंढने के बाद साठ थाने में गुमशुदगी भी दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस और परिजनों के द्वारा लापता राम आश्रय की तलाश की गई। जब ग्रामीण खेतों पर काम करने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने लापता पूर्व प्रधान का शव फक्कर चौराहे के पास झाड़ियों में पड़ा हुआ देखा, जिसकी जानकारी होते ही पूरे परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों ने हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई है। पुलिस जांच में जुट गई है। तपंचौरा न्यूज के लिए कानपुर से नीरज तिवारी की रिपोर्ट। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जुड़े रहिए अपने शहरों की खबरों के संसार के साथ, पंचौरा न्यूज़ के साथ।